बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास अजमल भाई हमारे हमसाए हैं, उनके पास मैं आया हूँ, तो इनसे गपशप चल रही है। तो ये हमारे जो दोस्त हैं उनकी फरमाइश पे ये हमारे इधर के तजर्बाकार छेड़ू हैं माशाल्लाह, और इनसे हम पूछते हैं कि ये जानवरों से दो क्वेश्चन करेंगे, एक तो कुर्बानी के बकरों के लिहाज से और दूसरा फिर के ये बकरी इनके पास हैं। अगर मैं आपको ये कैमरा दूसरी साइड पे नहीं कर सकता लेकिन यहाँ से फोकस थोड़ा सा करूँगा, तो ये इनका ये जानवर हैं। तो अच्छा अजमल भाई, एमएच शार्ट जिया कि बकरियाँ तो किस तरह यानी फ़ायदा लिया जा सकता है सही तरीके में, दसो। फायदा जी बहुत है, इन्होंने मेहनत की जाए तो अच्छे तरह फायदा मिल सकता है जी इन्होंने। अच्छा किस तरह यानी इन्होंने खुराक का? खुराक असं तो जंतर शंतर से दुआ लंघ लूंगी पाने हैं जी। अच्छा एक जानवर से थोड़ा कितना 35-40 जानवर है थोड़ा जी? तक अंदाजा कोई कभी लाया कि कितने खर्चा आ जाता? छिमाई का कोई नहीं जी, असं एस्टिमेट कोई नहीं लाया जी। यानी ये जंतर देसी जानवर का भाई, ये थोड़ा कितने जंतर है? जंतर साढ़ा है जी तकरीबन 2 किले जी। 2 किले थोड़े 35-40 जानवर इन्हें वास्ते काफ़ी है? नहीं जी मोल ही लेना पैसे तकरीबन किला और जी 2 किले और लेना पैसे, यानी 4 किले हो गए जी। जी 4 किले का खर्चा हो गया जी तकरीबन 80,000 जी। हाँ उड़े 2 छोटे जी पूरा कर जाते हैं ना जी। अच्छा माशाल्लाह, यानी वो थोड़ा खर्चा सारा दुद्ध च पूरा हो जाए जी। जी जी अगे जानवर जो फल फूल से वो बच जाते जी। हाँ अच्छा ठीक हो गया जी, यानी इस कारोबार ही फायदा है कि? बिल्कुल फायदा जी। अच्छा माशाल्लाह। और दूसरा हम पूछेंगे कि ये जड़े कुर्बानी वाले जानवर हैं जी, लेले या बकरे, इन वास्ते दसो कोई तरतीब? कणक के दाने पाने चाहिए। अच्छा जी तेल शेल देना चाहिए, पहले सब तो पहले निलजान देनी चाहिए। निलजान ठीक है, ताकि उन्होंने पेट साफ, उन्होंने पेट साफ हो जाए, उस तो बाद 8वें 7वें दिन तेल। अच्छा तेल देना चाहिए, कणक के दाने उ तो बाकी गंदा उदू है, मकई के दाने पा दो। अच्छा। बाकी जिस तरह खर्चा छोले पाओ, जिस तरह खर्चा करोगे उतना ही फायदा होगा। उसी तेल कितना देना चाहिए? तेल तकरीबन इन्होंने अद्धी शारा 8वें दिन देनी चाहिए। अच्छा रोजाना नहीं देना? रोजाना नहीं देना चाहिए। 8वें दिन तो दाने शाने चौखे दाने तकरीबन इन्होंने शाम के टाइम खाने चाहिए, फी जानवर अद्धा किलो फी जानवर जी। ते पहले दिन तू अद्धा किलो या पहले? नहीं पहले पाइए तो शुरू करें, 3 छटाका तो शुरू करें, अद्धा किलो एंड अद्धा किलो तक खवाने चाहिए। अच्छा ये भेक देने चाहिए? नहीं खुश्क ये सुखे। अच्छा ते वंडा वंडे दा ज्यादा रिजल्ट है या दाने दा ज्यादा रिजल्ट है वंडे नाल, क्योंकि वंडे हीट लगती है जी। हाँ नाले 2 नंबर ही बिचू दो नंबर ही आ सकता है, हीट लगती है। ये दाने या मकई के थोड़े अपने कोल होंगे, बल्कि दोनों मकई और दाने मिक्स करके ना डला लो, वो पाई रखो सारे तो बेहतर है, बेनीफिट है। यानी वो छोटा दाना हो जाता है? जी सही हो गया, सही ठीक है। अच्छा इस तू इलावा चारा चूरा भी नाल पानी? चारा ही पाना चाहिए, बरसीन हो गया बरसीन की मौसम बरसीन पाओ, जंतर की मौसम जंतर पाओ। ते ले लिया ते बकरियां च की फर्क है, यानी केड़े सही रहने? साढ़े अंदाज के मुताबिक जेड़ा ना बकरा वो ठीक रहा, लेले नाल की विकरा ज्यादा? विकरा ज्यादा, यानी रेट ज्यादा? रेट ज्यादा लगता। अच्छा ते खर्चा बराबर है? खर्चा बराबर है, लेले नु अगर ज्यादा खर्चा करे सो लेला मिट्टी ज्यादा खावन लग पा। अच्छा जी सही। अच्छा बकरियां चो केड़ा दे बरबाने दा? बरबाना जी बरबाना, अपने को राजनपुर वाले नाल बरबाना जेड़ा नहीं इत्थे जी वो ठीक रह जांदा। अच्छा जी सही हो, यानी ओदे विक्रय शिकरा ओदा ज्यादा? जी ठीक हो गया। ते बाकी ए जेड़े छोटे फल ने तुसा थोड़ा की तजुर्बा, बकरियां कदन लवाउणी चाहिदियां? बकरियां लवाउणी चाहिदियां जी 4वें महीने दी 15-20 तरीक तो चा के 5वें महीने तक लवाउणी चाहिदियां, 5वें महीने साल है 5वें दे विच। इहदा की फायदा हुंदा? इहनां दा इह हुंदा कि इह असुकतन असी जांदे आ, असुकतन दा फल भावें मिट्टी खा लवे इह सौखा मरदा नहीं है। यानी 9वें-10वें महीने फल जमसन उहनूं तुसीं खांदे हो असुकतन वाला फल? असुकतन वाला फल उहनां दे विच इह कि इहनां नूं लुआ
अल्लाह ताला इन्हें जिंदगी करें दा, ए मिट्टी भी खावे जो कुछ करें, ए उस मौसम बेहतरीन होंदा, इन्हें कुछ नहीं होंदा। ठीक हो गया। बाकी जो है ना हूँ दुए दसवें महीने जी महीने पहले दुए महीने बारहवें महीने सौंदी उन्होंने फल एक तो सर्दी ज्यादा होंगी है, पहले महीने सर्दी ज्यादा होंगी, बकरी के मरण का खतरा होंगे। अच्छा अच्छा, ठाड़ तो मेरी आप भी तीन चार बकरियां सूईया तो मर गई, उन्होंने कभी कई जेर ना पाई, कभी कोई कोई मसला बन पा। बाकी मुड़ पी हो जी चिचड़ियाँ आवा पा हूँ, वे फल ये हैं दुए दे पहले दूसरे महीने के, ये वेख लो इन्हों नहीं वाली पोश करते पे। अच्छा जी जी। अच्छा वजह ये यानी ये गर्मियों के जमे हैं, ये गर्मियों के जमे, एक तो गर्म टेंपरेचर बहुत ज्यादा है, दूसरा चिचड़ा का मसला है, तो पीओ का मसला। ठीक है, यानी बच्चे अगर किसी बकरियां नवीं करावनी होवन तो वो चौथे पंजवें महीने करावन, ताकि उन्होंने बच्चे बकरियां दे नवें दस महीने चावन, अगो मौसम ठीक हो, मौसम ठीक हो जाता है, मुड़ कपाह छपा लगती है, बकरियां दुध शुद्ध होता, बकरियां फल तैयार हो जाता जल्दी, फल तैयार हो सकता है, यानी ग्रोथ अच्छी होती है फल की। हूँ वेख लो, मैं तुम दसिया नहीं पैन मेरिया तकरीबन साल दियाँ पट्ठा वादिया जीडिया वेख लो माशाल्लाह तैयार है। जी जी ओ ठीक है जी, वो अगे वाली जी जी। अच्छा ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।